हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों हर बार की तरह आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक दिल को छू लेने वाली कहानी को लेकर आया हूँ, एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ, एक पति और पत्नी के प्यार की कहानी लेकर आया हूँ। सो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में घंटी का आइकन है उसको टच करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को टच कर दीजिए। इससे ये होगा कि मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो लेकर आऊँगा वो आपके पास में सबसे पहले पहुँच पाएगी। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। विकास की शादी 5 साल पहले गीता से हुई थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल थी। उनके प्यार और आपसी समझ की सब मिसाल देते थे। विकास जान से ज़्यादा प्यार करता था गीता को और गीता की जान तो जैसे विकास में ही बसी थी। और दोनों की प्यार भरी शादीशुदा जिंदगी में उनके बेटे सोनू ने आकर इस छोटी सी बगिया को और भी हरा भरा कर दिया था। विकास की छोटी सी यह बगिया खुशियों की खुशबू से हर पल महकती हुई रहती थी। विकास की माँ माता रानी से हाथ जोड़कर इस परिवार को सदा खुशहाल रखने का आशीर्वाद मांगा करती थी। पर कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। एक दिन गीता सोनू को स्कूल से घर लेकर आ रही थी स्कूटी पर, तभी अचानक से गलत दिशा से आ रहे वाहन ने गीता की स्कूटी को टक्कर मार दी और गीता गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल ले जाते समय गीता ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया और सोनू को मामूली खरोंच आई थी। विकास के परिवार को जैसे ही इस हादसे की खबर मिली, सब परिवार वाले सुन्न हो गए। विकास को तो जैसे एक भूत बन गया। उसका दिल यह बात मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था कि उसकी गीता अब इस दुनिया में नहीं रही। गीता को अस्पताल से जब घर लाया गया तब विकास जोर जोर से गीता गीता करके रोने लगा। विकास की हालत देखकर वहां खड़े सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। विकास को सब संभालने की कोशिश कर रहे थे पर वह नहीं संभल रहा था। विकास के कुछ रिश्तेदार उसके पास आते हैं और बोलते हैं, विकास तू पागल हो गया है क्या, औरतों के जैसे रो रहा है और औरत के लिए कौन रोता है, ऐसे मर्द है तू, तुमको ऐसा करना शोभा नहीं देता। एक महाशय ने तो हद ही कर दी, बोले अरे बेटा तेरी दूसरी शादी करा देंगे। विकास तो बस बेसुध सा था, इन सब बातों से बेखबर लगातार रोए जा रहा था। विकास के लिए वह औरत एक औरत नहीं, उसका सब कुछ थी। उसकी जिंदगी, उसकी सांसें, उसकी हर खुशी, उसकी जिंदगी का मकसद इन भावनाहीन लोगों को इस दर्द और इस तकलीफ के बारे में समझाना विकास के लिए अपने प्यार की तौहीन करने के जैसा था। मैं रोऊंगा अपनी पत्नी के लिए, मर्द के भी दर्द होता है अपनी पत्नी को खोने का, उसके भी आंसू निकलते हैं, और ऐसा बोलकर जोर जोर से रोने लग गया। हमारे समाज में जब पत्नी चली जाती है उस दुनिया से तो यह समाज पुरुष को रोने का हक भी नहीं देता। उसके रोने को उसकी मर्दानगी की कमजोरी समझा जाता है और औरत के लिए रो रहा है ऐसा बोलकर उसका कुछ लोगों द्वारा मजाक भी बना लिया जाता है। क्या औरत बस यूं ही होती है? उसके जाने का शोक मनाने पर भी लोग उसके पति पर ऐसी टिप्पणियां करते हैं। मर्द का आंसू बहाना क्या उसकी कमजोरी है? क्या उसका प्यार प्यार नहीं? उसका उसके अपनों के लिए दर्द नहीं होता? मर्द को भी दर्द होता है। सो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप ग्रुप और अपने सभी कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बगल में घंटी है उसको टच करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को चालू कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। सो दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आज की कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में घंटी है सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी है उसको टच करके ऑल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। इससे ये होगा कि मैं अपने चैनल पर कोई भी वीडियो लेकर आऊँगा वो आपके पास में दोस्तों सबसे पहले पहुँच पाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।